नमस्ते फ्रेंड्स, आज लड्डू गोपाल जी के लिए तीन तरह की नेपी बनाएंगे। फर्स्ट नेपी बनाने के लिए रुमाल लिया है कॉटन का। इसको इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर मार्किंग करेंगे। पहले 2.1 की मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ, 4.1 मार्किंग करते हुए लाइन बना लेंगे। इसको कट कर लेंगे। इसमें दोनों तरफ से इंटरलॉक रहता है, इसलिए रुमाल से बनाने में आसानी रहती है। इसको एक दूसरे के ऊपर उल्टा कर देंगे, मार्किंग कर लेंगे, इसमें सिलाई लगाएंगे, ऊपर की तरफ भी मार्किंग करेंगे, 0.75 में मार्किंग करनी है, नीचे की तरफ भी इसी तरह से मार्किंग करेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। हाथ से सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो मशीन से भी सिल सकते हैं। ये मैं हाथ से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सभी के पास मशीन अवेलेबल नहीं होती है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, दूसरी तरफ भी इसी तरह से मार्किंग करते हुए कट कर देंगे। अब इसको पतला पतला फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। इसमें इलास्टिक डालेंगे, पूरा आखिरी तक इसी तरह से एकदम बारीकी से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ये एकदम पतला वाला इलास्टिक आता है, थ्रेड इलास्टिक बोलते हैं इसको, तो इसको इसके अंदर इस तरह से क्रॉस करेंगे। नेपी में से इस तरह से पास कर लेंगे। इसको थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, एकदम बड़ा भी नहीं रखेंगे, नहीं तो लूज हो जाएगा। जितनी साइज की बनानी है उसको इस तरह से कट करके और नॉट लगा देंगे। डबल नॉट लगाएंगे ताकि इलास्टिक की नॉट ना निकले। इसको इस तरह से कपड़े में अच्छी तरह से फिट कर देंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब इसको सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से नेपी बन के तैयार है, इसको सीधा कर लेंगे। ये नेपी बन के तैयार है, लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाते हैं। इसको गर्मी के लिए यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में कॉटन की नेपी सही रहती है। इस तरह से नेपी बन के तैयार है। दूसरी नेपी बनाने के लिए वेलवेट का कपड़ा लिया है 4x4 इंच का। ये विंटर के लिए सही रहती है नेपी, या हल्की ठंड के लिए। इसको डबल कर लेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे, इसको मार्किंग कर लेंगे। इसको कट कर लेंगे। इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। इस
इसके किनारों में इस तरह से इसको हल्का हल्का बर्न कर लेंगे, तो इससे ये वेलवेट के रोई नहीं निकलेंगे। पूरे तरफ से इसी तरह से बर्न कर लेंगे इसको। इसको किनारियों से इस तरह से पतला पतला फोल्ड करेंगे। इसके अंदर से इलास्टिक डालनी है, इसलिए थोड़ा गैप देते हुए फोल्ड करेंगे, इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो मशीन से भी सिल सकते हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरह से पतला पतला फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है, इसमें थ्रेड इलास्टिक डालेंगे। ये सबसे बारीक वाला इलास्टिक होता है। इस तरह से पूरा पास कर लेंगे इसको, इलास्टिक को। इसको इस तरह से खींचते हुए पूरे कपड़े में इस तरह से इसको कट कर लेंगे और बांध देंगे। दो से चार नॉट बांध देंगे ताकि ये निकले नहीं। दूसरी तरफ भी इसी तरह से इलास्टिक को डाल देंगे और नॉट लगा देंगे। इसको इस तरह से साइड्स में दबाते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक ही तरफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगा ली है। इसको इस तरह से बारीक बारीक मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। फुल नैपी में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये ओपन साइड की तरफ से सिलाई कर रही हूँ।
सिलाई लगा ली है, अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। इसको इस तरह से हल्का हल्का खींचते हुए कमर के नाप से इलास्टिक ले लेंगे। नॉट लगा लेंगे, 3 से 4 नॉट लगाएंगे। इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे, एक तरफ जो सिलाई बची थी जहाँ पे इलास्टिक को बांधा है, अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली है, इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से नेपी बन के तैयार है। लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाते हैं। वेलवेट काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल लगता है लड्डू गोपाल जी को पहनने में। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। थर्ड नेपी बनाने के लिए वेलवेट का कपड़ा लिया है, 2.5 बाय 10 इंच का इसको कट किया है। इसको डबल कर लेंगे, सेंटर में 1/2 इंच का कट लगा देंगे इस तरह से। इसको बर्न कर लेंगे, पूरे वेलवेट के किनारे को अच्छी तरह से बर्न कर लेंगे, इससे रेशे नहीं निकलेंगे इसके। इसको ऊपर की तरफ इस तरह से पतला पतला मोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ भी इसी तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ भी दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये थ्रेड इलास्टिक ली है, इसको इस तरह से थ्रेड में फंसा लेंगे और इसको इस तरह से ऊपर वाली सिलाई में इस तरह से डाल देंगे। ऊपर के कपड़े में पूरी तरह से इसको इलास्टिक को पास करेंगे।
खींचते हुए कमर के साइज़ के हिसाब से इसको कट कर देंगे और नॉट लगा देंगे, 3 से 4 नॉट लगाएंगे। नीचे की तरफ भी इसी तरह अलग अलग इलास्टिक पास कर देंगे। दोनों बॉटम पार्ट्स जो हैं दोनों में इसी तरह से इलास्टिक पास कर देंगे और इसको बांध देंगे, अच्छी तरह से नॉट लगाएंगे। इस तरह से दोनों में ही नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, इसमें सिलाई लगाएंगे। सामने की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। सामने की तरफ सिलाई लगाने के बाद इस तरह से नीचे साइड में वी शेप में सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा गहरा वी शेप नहीं करेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाते हैं। इस तरह की नए पीस आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।